हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसके बारे में जानने की उत्सुकता आप सबको होती होगी, जिससे दोस्तों मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सभी टॉपिक्स, जो मुख्य मुख्य टॉपिक है, वो पूरा होने चला है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स, किसी भी स्टेट के TGT, PGT, KVS, NVS, ELT, राजस्थान PTI, DSSP की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शंस क्या है। जैसा कि दोस्तों, इसके तीन अक्षर हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तीन शब्द हैं। इसे तात्पर्य है, न्यूरो मतलब तंत्रिका कोशिका, मस्कुलर मतलब मांसपेशी, जंक्शन मतलब जोड़, यानी कि अर्थात इसका अर्थ हुआ तंत्रिका कोशिका तथा मांसपेशी तंतु का जोड़। यानी जो तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, और जो हमारा मांसपेशी तंतु है, दोनों के जोड़ को ही हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या मांसपेशी युग्मन कहलाता है। ठीक है, यह रासायनिक सिनेप्स का बना होता है। जैसे कि दोस्तों, जो गामक तंत्रिका होता है, यानी कि जो मोटर नर्व होता है, वो क्या करता है, जो संदेश को एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से एक्शन से होते हुए मांसपेशी तक लेकर जाती है, जिसकी वजह से हमारा मांसपेशी क्या होता है, संकुचित होता है, जिससे हमारा शरीर की गति होती है। जैसा कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि न्यूरॉन की वीडियो बनाते समय मैं एक्सॉन क्या है, डेंड्रॉन क्या है, एंड मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। मोटर न्यूरॉन्स जो है हमारी संदेशों को अंगों तक पहुंचाता है, और सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मोटर न्यूरॉन ब्रेन से पेशियों तक पहुंचाता है। तो क्या है कि जो गामक तंत्रिका मोटर न्यूरॉन्स है, वो संदेश को एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक्शन पोटेंशियल के माध्यम से एक्शन से होते हुए मांसपेशी तक लेकर जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशी संकुचित होती है। दोस्तों, मांसपेशी एवं मांसपेशी तंतु और तंत्रिका तंतु के बीच एक खाली स्थान होता है, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट या गैप कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। मांसपेशी के सिरे पर लिगांड, गटेट, सोडियम चैनल्स होते हैं, और तंत्रिका यानी जो न्यूरॉन होता है, उसके सिरे पर कैल्शियम वोल्टेज गटेट चैनल्स होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंतु के बाहर सोडियम आयन्स एंड मांसपेशी तंतु के बाहर कैल्शियम आयन्स दोनों चार्ज के साथ रहते हैं, जो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि इन्हें तंत्रिका तंत्र में उपस्थित जो असंख्य रिक्तिकाएं होती हैं, यानी वेसल्स होती हैं, वो अंदर नहीं जाने देती हैं। दोस्तों, जो असंख्य रिक्तिकाएं होती हैं, उसको वेसल्स, वेसिकल्स आप एसिटाइल कोलाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा तंत्रिका तंतु में अन्य छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, तंत्रिका तंतु के अंदर का जो चार्ज होता है, वह नेगेटिव रहता है। तंत्रिका तंतु यानी कि जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, उसके अंदर का चार्ज नेगेटिव रहता है। यानी कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, यानी कि तंत्रिका आवेग आता है, एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका तंतु में आता है या न्यूरॉन्स में आता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन्स, यानी कि तंत्रिका तंतु के सिरे पर क्या है, कैल्शियम आयन्स। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका तंतु यानी न्यूरॉन्स में आता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयन्स है उसके सिरे पर, वह कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल से तंत्रिका के अंदर प्रवेश करने लगती है, जाने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वेसिकल्स यानी जो रिक्तिकाएं हैं, उनसे क्या निकलता है, एसिटाइल कोलाइन बाहर निकलने लगता है।
और तंत्रिका तथा मांसपेशी के बीच जो जगह है सिनेप्टिक क्लेफर्ट में वह पहुंच जाता है एसिटाइलकोलाइन, जिससे मांसपेशी के तंत्रिका जो है वह जुड़ जाती है और मांसपेशी के सिरे पर क्या स्थित है लिगान गटेट सोडियम चैनल्स वह खुल जाते हैं और यहाँ से सोडियम आयंस जो है लिगान गटेट सोडियम चैनल से मांसपेशी तंतु के अंदर आ जाते हैं, जिससे मांसपेशी तंतु में एक्शन पोटेंशियल जो है वो आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है हमारा मांसपेशी संकुचित हो जाता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार हमने मांसपेशी को संकुचित कर दिया, ठीक है। न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल आता है, फिर उसमें कैल्शियम आयंस न्यूरॉन्स के ऊपर जो होता है सिरे पर वह कैल्शियम बोटेड गटेड चैनल से तंत्रिका के अंदर आ जाता है कैल्शियम आयंस, जिसके परिणाम स्वरूप जो रिक्तिकाएं होती हैं वो एसिटाइलकोलाइन बाहर निकाल देती है और तंत्रिका और मांसपेशी के बीच जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहां पहुंच जाते हैं और जिससे मांसपेशी से तंत्रिका वह जुड़ जाती है और मांसपेशी के सिरे पर लिगान गटेड सोडियम चैनल्स होता है वो सब खुल जाते हैं और यहाँ से सोडियम आयंस मांसपेशी तंतु के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारा मांसपेशी तंतु में एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा मांसपेशी जो है वह संकुचित हो जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हमारा मांसपेशी कैसे गति करती है, हमारे शरीर कैसे गति करता है मांसपेशियों के संकुचन होने से। अब संकुचन तो हो गया, मांसपेशी के संकुचन के पश्चात क्या होता है यानी कि प्रसारण कैसे होता है, यानी कि वो आराम की स्थिति में कैसे आता है नॉर्मल स्थिति में। तो मांसपेशी के संकुचन के पश्चात जो मांसपेशी में सोडियम आयंस व एसिटाइलकोलाइन है वो लिगान गटेड सोडियम चैनल से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही उद्दीपन यानी स्टिमुलस मांसपेशी तंतु में पहुंचता है वैसे ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि तंत्रिका तंतु व मांसपेशी तंतु के बीच की जगह से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन स्टीरेज, यह स्त्रावित होता है और यह एसिटाइल कोलाइन स्टीरेज जो होता है एसिटाइल कोलाइन को दो अणु में अलग करता है, इसे कोलाइन तथा एसिटेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह वापस से तंत्रिका में प्रवेश करते हैं और यह पुनः एसिटाइल कोलाइन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका मांसपेशी युग्मन में उद्दीपन तंत्रिका से यानी न्यूरॉन से मांसपेशी में साधारण रूप से संचारित होते हैं। तंत्रिका आवेग यानी जो एक्शन पोटेंशियल होता है जैसे ही तंत्रिका मांसपेशी में जोड़ को पार करता है वैसे ही उत्पन्न उत्तेजना की तरंगे मांसपेशी तंतु की लंबाई से गुजरती है। दोस्तों इस विद्युत क्रिया का पता लगाने के यंत्र को इलेक्ट्रोमायोग्राफ जो उत्तेजना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्रिया विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल को मात्रात्मक माप के रूप में एक महत्वपूर्ण यंत्र यानी कि टूल के रूप में कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि विद्युत क्रिया को पता लगाने यानी कि एक्शन पोटेंशियल को पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफ। जैसा कि दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन यानी कि जो तंत्रिका कोशिका और मांसपेशी का जो जोड़ है वह क्या है, यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मांसपेशी युग्मन क्या है इसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।